आपराधिक गतिविधियों में मामूली विवाद के चलते हुई मारपीट की घटना में धारदार हथियार से वार कर भाग निकले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार। वहीं गंभीर रूप से घायल को डॉक्टर ने मृत किया घोषित। दुर्ग थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा में मामूली विवाद के चलते हुई मारपीट की घटना में एक नाबालिग युवक की चाकू से हत्या हो गई। मृतक नाबालिग युवक जो दुर्ग बांधा तालाब गंजपारा का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना लगभग रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। गौरतलब है कि बीती रात पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार नाका चौक गंजपारा दुर्ग में नाबालिग युवक गणेश विसर्जन में डीजे के साथ घूम रहा था, जिस पर किसी बात को लेकर वाद विवाद एवं धक्का मुक्की से मारपीट हुई, जिससे गोपी ढीमर द्वारा नाबालिग को घटना के संबंध में बता रहा था। उसी दौरान आरोपी यश मेहरा पहुंचकर धारदार वस्तु से नाबालिग के गले में जोरदार मारकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद मोहल्ले वासियों द्वारा नाबालिग को जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा नाबालिग को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने चंद घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में मीडिया को दुर्ग CSP अभिषेक झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गणेश विसर्जन करने के पश्चात वहां से वापस आने के दौरान गंज चौक के आसपास लड़कों के बीच में किसी बात को लेकर उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो बीच में इंटरप्ट करने के दौरान एक आरोपी यशदीप मेहरा के द्वारा नाबालिग लड़के के ऊपर एक चाकू से वार किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात तत्काल पुलिस ने उसमें संज्ञान लिया और तत्काल धरपकड़ जारी किया, और उसके बाद आरोपी को कुछ घंटे में ही पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया गया है, और मृतक का अंतिम संस्कार भी बॉडी उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अभी जांच की जा रही है, जैसे भी अगर और तथ्य पाए जाते हैं तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो अभी एक ही दिख रहे हैं, एक ही के पत्ता। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।